वो रशीद भाई, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? शीबा है ना, शीबा मुझसे शादी करना चाहती। अच्छा भाई, अगर मिठाई के साथ ये बात बताते तो बहुत अच्छा लगता। शीबा, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। क्यों? बस मैं नहीं करना चाहता, वो मुझे मजबूर कर रही है शादी। आखिर क्यों नहीं करना चाहते भाई? तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है, उसे एक माँ की जरूरत है और तुम्हें सहारे की। याद है जब दर दर भटक रहे थे और तुम्हारे पास रहने की जगह तक नहीं थी? किस्मत खुद चलकर तुम्हारे पास आ रही है भाई। किस्मत खराब भी तो हो सकती है ना। देखो, अब तक के हालात और वाकयात के हिसाब से ऐसा लग तो नहीं रहा। रशीद भाई, मुझे दिल नहीं मान रहा। भाई दिल को मना लो, शिवा बहुत अच्छी औरत है। इससे पहले भी उसके पास तीन चार पैगाम आए शादी के, मगर हैरत की बात है, उसने सबको इनकार कर दिया और तुमसे खुद शादी करना चाहती है। कोई ना कोई वजह तो होगी, अपना और अपनी बेटी का सोचो। शिवा ना होती तो क्या तुम इस तरह नौकरी कर सकते थे? नहीं, मेरा मशवरा है शादी कर लो और अपना घर बसाओ। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं रशीद भाई। वो शिवा, शिवा बिल्कुल पागल है, जहनी मरीजा लगती है मुझे। अगर मेडिकल टेस्ट करवाया जाए तो दुनिया के आधे से ज्यादा लोग जहनी मरीज निकलेंगे, लेकिन दुनिया फिर भी चल रही है। तुम भी अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाओ, शादी करो और घर बसाओ। भाई कोई और लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है ना? नहीं, कैसी बातें कर रहे हो। फिर क्या मसला है? मैं बेगम को लेकर तुम्हारे घर आता हूँ और शीबा और तुम्हारी छोटी मोटी रस्म कर देती हूँ, ठीक है? अरे 20 मिनट का कहकर गई थी, पूरे 1 घंटे में आई हो। क्या हुआ, इंटरनेट का पैकेज मिला कि नहीं? हाँ हाँ हो गया पैकेज, वो मैं रास्ते में लॉन के प्रिंट देखने बैठ गई थी। बहन यहाँ अपने प्रिंट बन रहे हैं, तुम्हें लॉन के प्रिंट? ए बीबी कहाँ जा रही हो? जाओ जाके गुसल खाने में कपड़े पड़े हुए धो, जाके अच्छे से धोना बिल्कुल। खबरदार जो एक दूसरे पे कलर चढ़ा, देख लूंगी मैं तुम्हें। जाओ ना। बात सुनो, निकालो ना, लगाओ ना इंटरनेट। ये देखें, इस दिन का बता रही हूँ मैं, क्या इस दिन क्या देखूं? सही से नजर कहाँ रहा है? लगाओ ना सही से। निमो की शादी आपने बहुत गलत जगह कर दी। क्या कह रहे हो, होश भी तो हो। अंकल मैं पूरे होश में, निमो की फिक्र। अंकल काशिफ अच्छा लड़का नहीं है। वो लड़का सच कह रहा था या झूठ? कौन लड़का सच बोल रहा था या झूठ? किसकी बात कर रहे? किसी की नहीं। जरूर निमो की तरफ कुछ हुआ होगा। तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, किससे बात करूं? क्या बात करनी है आपने? शकीला, मुझे लगता है कि मैंने निमो का रिश्ता गलत जगह कर दिया है। कर लो बात, जरूर निम्मो ने कोई नई कहानी सुनाई है ना आपको? अरे नहीं नहीं मैंने खुद देखा है, निम्मो की सास ने निम्मो का फोन अपने कब्जे में ले लिया है और मुझे महसूस हुआ है कि वो मुझे उससे बात नहीं करने दे रही। तो आपको बात करने की जरूरत क्या है? कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो जरूरी बात करनी है? उसकी शादी कर दी ना, ब्याह दिया, अपने घर चली गई। अल्लाह खैर सलाह उसको उसके घर का होने दे, खुदा का वास्ते। ऐसी बातें कर रही हो, बाप बनकर पाला है मैंने उसे। सुने, जरूर उसने कुछ ना कुछ किया होगा, तो सास ने मोबाइल लिया ना। ऐसे थोड़ी सास पागल थोड़ी है कि मोबाइल ले लिया। अरे निम्मो बिचारी क्या करेगी, कैरेक्टर तो काशिफ का मशकूक लगा है किसी को। किसको?
नहीं अपने मोहल्ले का अय्यूब नहीं है? हाँ? उसने बताया है कि काशिफ किसी लड़की के लिए सजा काट चुका है। क्या? हाँ। अल्लाह जाने, हो भी सकता है। लेकिन अय्यूब को क्या जरूरत पड़ी है काशिफ की जासूसियां करने की? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। सोचने की बात। बीपी दम वाली याद कर रही थी तुम्हें। डरो मत, इलाज करेगी तुम्हारा। अगरबत्तियां जला जला के आप प्लीज अपनी अम्मी को समझाएं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, इलाज की जरूरत नहीं है मुझे। अम्मी को तो सिर्फ बीपी दम करने वाली ही समझा सकती है। मेरे ख्वाबों की तबीयत कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। हो सकता है कि इस बार ऐसा ना हो। ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। रेस्ट का इनको सिर्फ पगा के पास है। लेकिन हम जानते हैं, मेरा मतलब है कि मैं जानती हूँ। क्या? यही तुम्हारी दूसरी शादी, वो भी अय्यूब के साथ। कौन अय्यूब? अरे वही अय्यूब बेचारा जो तुम्हारी शादी में वेटर बना फिर रहा था, खाना तकसीम कर रहा था लोगों को। मैं किसी अय्यूब को नहीं जानती। फिलहाल मान लेती हूँ ये बात, लेकिन जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, और अगर ना किया तो बता दूंगी कि कौन अय्यूब और क्या रिश्ता है तुम्हारा ये। क्या मतलब? ये जल्दी क्या है, वक्त आने पर सब बताऊंगी मैं तुम्हें। हाँ डरो मत, ये बात सिर्फ तुम्हारे मेरे दरमियान ही रहेगी। लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लोगी ना, तो ये बात हम दोनों के बीच अभी खत्म हो जाएगी। और अगर नहीं मानी तो तुम्हारी दूसरी शादी